और साथ में हमारी सवारी चल पड़ी है रामगढ़ को। ये जोई महाराज की जय। तो मैंने अपना लुक चेंज किया, कैसा लगा आप भी बताइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल, हमारा 2-3 दिन का रूटीन आप देख ही रहे हैं। हमने एक फैमिली वॉल बना दिया अपने घर पे पीछे, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। ये भी इमरजेंसी, रात के 10 बजे लेकर आए सारी फोटोग्राफ बनवा के। ये वाली फोटोग्राफ कल टूट गई थी, हाँ। इसके चक्कर में ये सारी बन गई, ये सब बनी है और ये भी जल्दी में बनी है। पर अभी हमें बहुत कुछ इधर लगाना है, ये फैमिली वॉल बनी है हमारी, हाँ, क्योंकि इधर आना, ये देखिए ये हमारी फैमिली वॉल है। अभी तो हमने इधर आनी है, इस तरफ आनी है, इधर आनी है, बहुत सारा कुछ बनाना है फैमिली, काफी चीजें हमने बना दी हैं। अब फिर हमारे पैर में चक्कर, फिर चले हम कहाँ? रामगढ़, नजारे पहाड़ों के। ते प्राजी असी चले पहाड़ी च, फिर दोबारा ऐसी गर्मी तो बाहर निकली है घट तो घट। तुसी लोकी प्लेन्स भी देख के परेशान हो गए होएगे। ते मैं ए कह रहा कि हुण असी तुहानूं पहाड़ दिखा देने आ। तो चले, चलो चलो, ए देखो कितना एक्साइटेड है। ये देखिए जोई हमारा इतना एक्साइटेड रहता है ना कि मैं भी चलूंगा, मम्मी कहीं चलो चलो छोड़ ना दे। ये देखो देखो देखो, चलो जोई आपने चलना है, जोई को पापा ले जाए। वो इधर इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इसकी बेल्ट है और ये बिना बेल्ट के नहीं जाएगा। इसकी ये बेल्ट निकालूंगी तो कहेगा ये मेरी बेल्ट है, यहाँ पर बेल्ट पहनाओ तभी जाऊंगा, ये बिना बेल्ट के नहीं जाता कहीं। ये बहुत गुड बॉय है मम्मा का, है ना? ये गुड बॉय है ना मम्मा का? ये देखे नाच नाच के मेरे को बोलता है। निकाली मैंने रेड बेल्ट थी, पर योगेश ने बोला नहीं नहीं इसको ग्रीन पहनानी है, स्मार्टी स्मार्टी बॉय है ना। ये देखिए एक्साइटेड कितना है। और योगेश आपकी सारी हो गई पैकिंग, सब नीचे चला गया? सब नीचे चला गया। यू आर रेडी? हाँ बिल्कुल, हम लोग रेडी हैं, तो रेडी टू मूव हैं। चले फिर क्योंकि 7:30-8:15 बज रहा है, वहाँ पहुँचते भी 3-4 बज जाएंगे, हमें 4-5 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, अब तो अपने घर ही जाना है। चलो फिर, तो हम लोग गाड़ी में आ गए हैं। बिल्कुल, योगेश जैसे यू नो पता ही है कॉन्सेंट्रेशन, और सुबह सुबह का जाओ जाओ बुरा हाल है जाओ। और एक चीज में कहना ही बताना भूल गई, अरे आपने मेरा नया लुक देखा, मैंने अपना लुक चेंज किया। कैसा लगा? और साथ में हमारी सवारी चल पड़ी है रामगढ़ को। ये जोई महाराज की जय। तो मैंने अपना लुक चेंज किया, कैसा लगा आप भी बताइए। मैंने बहुत टाइम बाद कटिंग किया है ना, कटिंग करा। तो योगेश ने कहा इस पर छोटे करा ले, बच्चों ने भी कहा इस बार तो योगेश ने, नहीं तो इनको शौक नहीं है छोटे बालों का, ये कहते लंबे रख लंबे रख। पर चलिए आपको नजारे दिखाते हैं सुबह सुबह के, है ना? बिल्कुल, अभी हम लोग चल पड़े हैं और निकले हैं, तकरीबन 8 बज रहा है सुबह का, और 8:08:16 4-1 बजे के आसपास हम लोग रामगढ़ पहुंचेंगे, डिपेंड करता है रास्ते के ट्रैफिक के ऊपर, क्योंकि सारा कुछ करते 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 पैकिंग वैकिंग, और सुबह सुबह तो फोटो फ्रेम लगाने थे ना, तो वो भी देर हुई थोड़ी सी। तो और वैसे भी हम अपने घर जाना है, हमें कहीं और होटल तो जाना नहीं कि हमारा चेक इन टाइम बेकार हो जाएगा या दिन बेकार हो जाएगा या अगला दिन यूज करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब हम आराम से निकल रहे हैं और बारिश अच्छी हुई है सुबह से, हाँ। तो अब देखते हैं रामगढ़ में क्या बारिश हो रही है। और रात से बारिश अच्छी हुई है, रात तो ऊपर वाले ने मौसम भी अच्छा कर दिया हम लोगों के लिए, बढ़िया कर दिया, तो बाकी आगे देखते हैं क्या मिलता है रास्ते का नजारा। तो हमारा मन है कि हम आपको रास्ते नजारे रास्तों के दिखा दें। पेट्रोल के साथ पराठा, और मैंने किया पराठे के साथ दही। अब
उसके बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं तो फटाफट निकलेंगे, क्योंकि आज तबीयत भी ढीली ढीली सी लग रही है मेरी। ढीली इसलिए लग रही है क्योंकि गर्मी बहुत है ना, बहुत गर्मी बर्दाश्त होती नहीं। वेदर अच्छा हो रखा था सुबह से, एकदम से धूप आ गई, अब फिर चेंज करना पड़ रहा है। और ऊपर से फिर जोई की भी तबीयत आज ठीक नहीं है, आज जोई की भी तबीयत, जोई ने भी परेशान कर रखा है थोड़ा सा। ये देखिए बेचारा परेशान, कुछ नहीं खा रहा, पी रहा कुछ, सुबह से तो एक्टिव हो गया था, अब एकदम से परेशान हो गया। बस यही है चल रहा, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसी को लाइक करते हैं बिल्कुल। तो देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे रास्ते मिलते हैं, अगर बीच में चाय पेट्रोल पीना होगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो और यहाँ आने के बाद तो हम बीमार हो ही जाते हैं। आज आपको पता ही है अचार की एकदम से कितनी अच्छी अचार की अभी पराठे, बस गर्मा गर्म आने वाले हैं, पानी पी लें थोड़ा, तो ये आ गए हमारे गर्मा गर्म पराठे विद कर्ड अमूल बटर। तो चलो योगेश करो स्टार्ट, एनर्जी ड्रिंक आ रहा है आपका, पेट्रोल आ रहा है, ठीक है तो चलो लेट्स स्टार्ट। मेरे में बटन नहीं लगा, जैसे आप देख ही रहे होंगे मैंने फिनिश कर लिया है और योगेश फिनिश कर रहे हैं अपना, मुझे अपना अपना वाला बचा हुआ पराठा भी दे दिया, कह रही है फिनिश कर लिया, मेरा तो पूरा फिनिश है। तो प्लेट किसकी है, आपकी ना, आपने फिनिश करा है, वही कह रहा हूँ ना, और साथ में है पेट्रोल, योगी का पेट्रोल। यस। तो जल्दी जल्दी खाते हैं फिर चलते हैं। चलो तो मैंने इसमें दही डाल दी है और ये मेरे लिए चीनी लेकर आ गया, इजी हो गया, और मैं अब दही वाली चीनी वाली दही खाऊंगी, लस्सी पीऊंगी। तो चलो योगेश हमारा सारा कुछ रेडी हो गया तो चलते हैं। तो हमने ये टॉल क्रॉस किया है गढ़ मुक्तेश्वर वाला, और इतनी तेज़ धूप हो गई है, हालत टाइट हो रही है अब धूप से, है ना। और गढ़ मुक्तेश्वर का टॉल क्रॉस करते ही मेरा दांत टूट गया। दांत टूटा आपका? हाँ वो भूर गया ना। हाँ वो तो पीछे का जा ही रहा है थोड़ा 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 सा आपका, मैं कह रहा हूँ पूरा निकल जाए। एक काम करना, मुझे किसी दिन आप गुस्सा चढ़ाना अच्छा सा, ठीक है, और मैं एक ऐसे मार, ठीक है, दांत बाहर, बस की तेरे को जान नहीं आया, जरा जी बात है आई बड़ी बनती है अपने आप, वो पहलवान जरा जी जरा जी दो कदम चलती नहीं साथ तो भूल जाता। कोई बात नहीं, होता है होता है, बुढ़ापे की निशानियाँ होती है, कोई बात नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मोटी हो रही हूँ, और क्या है ना जोई, ओए जोई। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं जितना भी प्लेन्स है अभी तक, अभी हमने मुरादाबाद नहीं क्रॉस किया, अभी ब्रिजगार्ड क्रॉस किया है, तो यहाँ से मुरादाबाद तकरीबन होगा 1.5 किलोमीटर और, तो जैसे ही हम मुरादाबाद क्रॉस करेंगे अभी कहाँ आ जाएगा, उसके बाद तो फिर तुम रामपुर जाओगे। अच्छा हुआ, मैं हर बार ही कहता हूँ अच्छा है तुम पोस्टमैन नहीं हो, नहीं तो हम हल्द्वानी के बाद दिखाएंगे नजारे पहाड़ों के। ये वाला रास्ता कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि तो ये टांडा रेंज है, देखो कैसे बटरफ्लाईज आई हुई है, कितनी बटरफ्लाईज है, और बटरफ्लाईज इन्हीं दिनों में ही दिखती हैं ये जब ये सावन खत्म हो रहा होता है। और क्लियर देखो कितना स्काई क्लियर है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है साफ सुथरा मौसम, बिल्कुल, क्योंकि इन दिनों में स्काई को क्लियर पानी कर देता है, बरसात होती है स्काई क्लियर हो जाता है। और अब क्या हो रहा है, अब ये मूवमेंट का टाइम है,
वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के टाइम ज्यादा होता है ना। अब ये एलिफेंट्स यहाँ से यहाँ सर्दी हो जाएगी तो मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स गर्म, तो ये कभी कोलकाता चले जाएंगे, कभी महाराष्ट्र चले जाएंगे, ये मूवमेंट चलती रहती है। इनको कोई जरूरत नहीं आती एयर टिकट ना, ट्रेन टिकट ना, ना इनको एयर टिकट ट्रेन टिकट कुछ नहीं चाहिए होता, ना इन्हें रिजर्वेशन करानी है ना इन्हें गाड़ी ड्राइव करनी है, कोई जरूरत नहीं है। ये अपनी खुद टेरिटरी बुक करते हैं, ये अपनी टांगों पे चलते हैं और फिर पहुंच जाते हैं। क्योंकि अभी इतनी अच्छी धूप लगी थी, जैसे जैसे अब पहाड़ नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आने को हो रहे हैं हमारे, वैसे वैसे देखो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे पहाड़ी हो। पूरा बादल का पहाड़ है हमारे आगे। क्योंकि ये जो पहाड़ है वो सामने पहाड़ है और ऊपर बादल है। हाँ, ये सामने पहाड़ आ रहा है, छोटा सा पहाड़ दिखा और ऊपर ये बादलों का पहाड़। योगेश को याद आ गया कि गाड़ी दिखानी है, तो बाई चांस एमजी का शोरूम भी आ गया तब तक सर्विस वाला, वहाँ गाड़ी दिखाते हैं, वहाँ क्या होगा ये पता नहीं, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। ये तो वही वही बताएंगे देख के कि भैया अब क्या होगा उसके अंदर, दिखाते हैं क्या कर सकते हैं, गाड़ी ठीक तो करानी है। हाँ। जब तक योगेश गाड़ी दिखाने गए हैं अंदर सर्विस में, मैं और जोई साथ साथ घूम रहे हैं क्योंकि जोई को भी घुमाना जरूरी है साथ साथ, इसको भी वॉक करनी होती है, 2 घंटे कंटिन्यूसली गाड़ी में बैठता है, 2-2 घंटे बाद उतारना पड़ता है। मैं सोचू ये भी फ्रेश हो जाए तो बस फिर बैठते हैं फिर गाड़ी में, फिर मिलते हैं योगेश के साथ। एट लास्ट गाड़ी के शोरूम से निकले हैं हम लोग सर्विस से, कुछ नहीं हुआ क्योंकि योगेश को होता है कि गाड़ी वहाँ से वापस लानी है, पर कुछ नहीं हो पाया, गाड़ी हीट पे थी, इतनी दूर से चल के आ रही है, गाड़ी ने होना ही नहीं था कुछ और ज़बरदस्ती आप 1 घंटा रखा है, 2-1.5 घंटा। बात तो तुम अपनी जगह जायज कर रही हो, मैं भी थोड़ा सा यही अवॉइड कर रहा था, पर आना पड़ेगा ना दोबारा हुआ ना, बोल दिया उन्होंने कि हम घर भेज देंगे, तो यही चीज वो उस टाइम भी कर सकते थे, क्योंकि एक तो हम सफर से आ रहे हैं 4-5 घंटे लग गए हमें यहाँ आते, एग्जॉस्ट हो गई, हालत बुरी हो गई है मेरी, ऊपर से जोई की तबीयत खराब है। आप कहते हो ना आप सुनना ही नहीं, आपको गाड़ी का कुछ करवाना है तो करवाना है, चाहे रास्ते से ही करवाता हुआ चलो, यही हमारा झगड़ा है यहाँ पर, देखा हम कितना झगड़ा करते हैं। आप कहते हो प्यार से रहता है, ये प्यार से नहीं रहते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। ठीक है कर लो झगड़ा। तो रास्ते में ये स्टैंडर्ड स्वीट पड़ा, तो योगेश कह रहे हैं रोमा भूख लग गई है, तो वो कुछ लेने गए हैं, देखो अब क्या लाते हैं फिर खाएंगे, क्योंकि थकावट बहुत हो चुकी है, एक तो एमजी के वहाँ सर्विस में भी बहुत टाइम लग गया, तो अब आते हैं फिर देखते हैं। तो योगेश भी आ गए हैं जल्दी जल्दी से सामान लेके, अब देखो क्या लाए हो, एक पेस्ट्री ब्लैक फॉरेस्ट, 3 सैंडविच और एक कल नाश्ते के लिए कुलचे, आज का खाया नहीं कल का पहले इंतजाम। अब आज का तो आज का खा तो लो, ले तो आए हूँ, चलो यार जल्दी खाओ जो खाना है, ये लो ब्लैक फॉरेस्ट। सैंडविच देख के मुझे झटका लग गया, इतना सा सैंडविच छोटा सा और प्राइस इतने बड़े, क्वालिटी और क्यों यार हमारे नोएडा में भी इतना अच्छा है। हाँ। और ये है पेस्ट्री। हाँ। तो चलो खाते हैं, चलते चलते जो खाना हो खाते हैं, फिर एनर्जी आती है फिर बात करते हैं। बिल्कुल दोस्तों एनर्जी आती है और फिर आपको सामने दिखाते हैं नज़ारे पहाड़ों के। yes. जहाँ बादल लगा हुआ है पूरा। तो योगेश हम कहाँ आ गए, हम आ गए पहाड़ों में और ये हमारे सारे पहाड़ शुरू हो गए हैं। तो अब हमारा रानीबाग का एरिया शुरू हुआ है जो हमें भीमताल लेके जाएगा पहले। और अभी परसों की न्यूज आई थी यहाँ पर जो HMT की ये फैक्ट्री है, अभी रास्ते में दिखाता हूँ मैं आपको, यही है। हाँ। वहाँ पर टाइगर वॉक करता हुआ मिला, अभी दिखाते हैं। हाँ। चलिए तो अब आप आ गए हैं पहाड़ों पे, तो अब आपको पहाड़ों के नज़ारे मिलते रहेंगे और इतने अच्छे नज़ारे हो रखे हैं, अभी मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल बादल लगा हुआ है और खुल के लगा हुआ है, कब बरसेगा
किसी को नहीं पता। ये जगह है जहाँ टाइगर दिखा था, ये वाला यहाँ पर, ये एचएमटी का सारा एरिया है, ये राइट और लेफ्ट दोनों यहाँ दिखा रहे थे ना इसी तरफ को, ऐसे एरिया को, तो यही यहाँ पर ही टाइगर पूरा वॉक कर रहा था। और हुई भी बहुत अच्छी वॉक है, और वो अच्छी वॉक दिखाई है और न्यूज चैनल ने दिखाई है। यस, ये भी नहीं कह सकते, हम कहते हैं झूठ होगी, फेक होगी, किसी और ने दिखाई होती तो न्यूज चैनल ने भेजी थी। तो बहुत अच्छी तरह से वॉक कर रहा था टाइगर, इट मींस यहाँ टाइगर भी है। यहाँ टाइगर है ऑलरेडी, टाइगर तो जंगल है तो टाइगर होगा ही होगा, अदरवाइज हमें पता था तेंदुआ है, नहीं तो जैसे कि वो वाला लेपर्ड, लेपर्ड का पता था इसका हमें, ये लगता था, लोग अफवाहें करते ज्यादा है यहाँ पर कि ये मिल गया, ये दिख गया, नहीं तो हमें इससे क्लैरिटी हो गई कि टाइगर है। और उसमें बड़ी फुसफुसाते हुए कह रहे थे देखो देखो कैसे जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है। ओहो कितनी धूप हो गई, स्टार्ट होगी, चलो फिर आगे दिखाते हैं, अभी आगे दिखाते हैं और आपको लेके चलते हैं आज घर। चलिए तो हम लोगों ने अब एसी कर दिया बंद, पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा, यस मजेदार चिल्ड चिल्ड हवा, क्योंकि यहाँ आके तो पंखा भी नहीं चलाते हम लोग। वो तो है, पर अभी जैसे गर्मी से आए ना, ये हवा बहुत अच्छी लग रही है, तो नेचुरल है यार, नेचुरल हवा तो अच्छी लगेगी लगेगी। इमीडिएट एसी बंद किया हमने, शीशे खोले, इतना अच्छा लग रहा है, जो ही भी शीशे में बाहर देखो। हाँ देखो ये भी, इस कबूतर की भी हमारी तबीयत खराब है, सफेद कबूतर की, क्या कर सकते हैं, घर तो जाना था। इस बार तो योगेश की भी तबीयत खराब हुई, मेरी भी खराब हुई, इसकी भी हो गई। हम नोएडा आते हैं हमारी तबीयत खराब हो जाती है, एक्टिव जरूर होते पर तबीयत बहुत हो जाती है, तो गर्मी की वजह से भी बहुत है ना प्रॉब्लम, दिन भर एसी में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, क्या कर सकते हैं, बाहर निकलने का मन नहीं करता, बस यही है। तो चलो चलते हैं ठंडी ठंडी हवाओं के नज़ारों के साथ, क्योंकि दोस्तों हमारी तो बेसिकली क्या है कि तबीयत इसलिए खराब होती है क्योंकि अब हम ना इम्यून हो गए। हाँ सच में, हमें सब बोलते हैं तुम लोगों को हैबिट हो गई है पहाड़ों पे रहने की, तभी तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहते हो, अब हम लोग इम्यून हो गए शायद पहाड़ों पे रहने की, शायद हो सकता है, हमें नहीं लग रहा, पर सब लोग ये कहने में लगे हम लोगों को कि आप लोगों को हैबिट हो गई है। ये तो देखो ऐसा ना, आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हो। अब नोएडा रहते थे तो यहाँ का टेम्परेचर सूट नहीं करता था, अब यहाँ का टेम्परेचर हमने इम्यून किया है तो नोएडा का टेम्परेचर सूट नहीं करता। कोई बात नहीं, अब ठंडी हवाएं मिल रही है, मजे लो। अब नोएडा जाने के लिए बोलना मत नहीं यार, अभी तो नहीं, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब चलेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं भीमताल, और भीमताल में ये है नजारे, बादल लगा है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और ऐसे लग रहा है बारिश हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, बारिश होती है या नहीं होती है वो तो डिपेंड करता है कुदरत पे, मौसम पे, उसकी मर्जी होगी तो मैं कुछ शिशु आया तो मैं करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा। तो पर योगेश, मैं जैसे देखती हूँ वहाँ रामगढ़ में रोज रात को अच्छी बारिश हो रही है, एक घंटा वही हमारा टाइम जो बीच में लग गया ना, हम उतना ही डाउन पे। जैसे हम लोग पहुंच गए हैं भीमताल, भीमताल से ऊपर आ रहे हैं, और जोई की अगर आपको हरकत दिखाऊंगे ना, ये क्या कर रहा है, ये कहते हैं गोदी बैठना है, तब छोटा बच्चा नहीं होता, तबीयत खराब हो रही होती है कि मम्मी को कहते हैं मेरी तबीयत खराब है जरा मुझे गोदी ले लो। यह हाल है इसका, और इसने अभी जैसे ऊपर आए थे पहाड़ों पे फिर वोमिटिंग शुरू कर दी है। हाँ बक करके निकाली, सारी गाड़ी में स्मेल कर दी। ओए स्मेल नहीं है गाड़ी में, क्योंकि इसने सारा पानी निकाला कुत्ता कहीं का। नहीं, ये तो जो ही है प्यारा वाला, ये देखो ये
इसको कितना मजा आ रहा है पहाड़ों पे, कितने अच्छी तरह से देखता है, खुश हो रहा है। हम तो पहाड़ों पे मजे लेते ही नहीं, मजे तो यही लेता है। सच में असली मजे तो जोई के हैं, सच में बोल रहा हूँ योगेश, ये बात तो तुम मानोगी। असली मजे यही करता है, असली मजे तो लाइफ के। चलो हम भवाली पहुँचने वाले, भवाली वेरी नाइस। चलो भाई, भवाली सीमा में प्रवेश कर चुके चलो। तो भवाली सीमा में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला गांव आता है फरसौली। चलो दिखाते हैं फिर वहां के नजारे। बिल्कुल। तो हम लोग पहुंच गए हैं भवाली और योगेश सबसे पहले दूध लेने उतरे हैं, क्योंकि घर जाके जोई भी दूध पीते हैं, फिर दूध चाहिए होता है इसको, और फिर थोड़ी थोड़ी हम भी चाय बना लेते हैं। तो योगेश ने ले लिया दूध, फिर निकलते हैं दूध लेके यहाँ से सीधा घर। अभी भी एक घंटा तकरीबन लगेगा, बहुत थक गए हैं आज, बहुत ज्यादा थक। दूध ले लिया, अभी शाम को लेट पहुँचेंगे तो खाना खाने की इच्छा करेगी नहीं, तो रास्ते से समोसा ले लिया और थोड़ी जलेबी लेनी। वो तो आपकी फेवरेट है, समोसा एंड जलेबी। पहाड़ों पे आओ और आपको समोसा ना खाने को, जब आप बिल्कुल, जब आपने दिल्ली का सीपी का समोसा नहीं छोड़ा। नो, वो तो कैसे छोड़ सकते हैं, एम्बेसी का समोसा छोड़ दो तो फिर दिल्ली जाने का फायदा क्या हुआ। ये तो है, और दिल्ली जाके सीपी जाने का क्या फायदा हुआ। ये तो है। तो डागर से नीचे और मोहाली से ऊपर, तो अभी 2-4-5 किलोमीटर के बाद कागर आ जाएगा। और उससे पहले वो मंदिर कौन से पड़ते हैं, हनुमान जी और शनिदेव का मंदिर आता है, उसे कहते हैं। हम कागर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। तो दोस्तों हम आ गए कागर से नीचे, तो सत हनुमान, जय शनिदेव, जय शनिदेव। तो यहाँ से हमारा अब कितना रह गया कागर, अप्रोक्स 2 किलोमीटर। तो चलो फिर भोलेनाथ को भी हाथ जोड़ते हैं और फिर निकलते हैं घर को। तो हमने भवाली क्रॉस करके ऊपर आ गए हैं, बस अब हम पहुंचने वाले हैं कागर। और इतना अच्छा लग रहा है ना, मौसम इतना ठंडा है कि योगेश कितना मज़ा आ रहा है, ठंडे ठंडे। अब थोड़ा हमारे चेहरों पे स्माइल भी अलग ही हो गई है, ठंड में किसको नहीं अच्छा लगता, एसी ना चले कुछ ना हो, इतना दोनों लड़ रही हैं। चले, जो ही भी बैठा है मजे ले रहा है ठंडे के, और हम भी ठंडे ठंडे में मजे कर रहे हैं। पर उससे पहले हमें घर पहुंचना है और भोलेनाथ को हर हर महादेव कह के निकल पड़ते हैं। ठीक है, पहुंच गए, चलिए करते हैं हर हर महादेव। हम लोग पहुंच गए हैं ये गागर, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो बस अब यहाँ से हमारा घर थोड़ी सी दूर, चलो एग्जैक्ट घर जो है वो एग्जैक्ट 15 किलोमीटर है। मैंने कभी आज तक नापा नहीं, ना कुछ ऐसा किया। देखो नथुआगंज 20 है ना, तो 15 हमारा 15 है। यस, तो चलो जल्दी से घर पहुंचते हैं, देखो कितनी जल्दी घर पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने क्रॉस कर दिए हैं मल्ला और अब पहुंचते हैं तल्ला, और फिर तल्ला से ऊपर अपने घर। क्या कहते हो? बिल्कुल, घर पहुंचते ही खुशी कुछ और ही होती है। वो तो है, अपने घर पहुंच के खुशी और ही होती है। आज का हमारा ये वापसी का ट्रिप आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और हमारा थोड़ा सा मन अच्छा करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें एंड शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो। यस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि रोमा फंसी हुई है जोई के साथ। यस, क्योंकि जोई मेरे गोदी बैठा हुआ है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल
योगेश भाटिया।